और शर्त यह थी कि जो भी तेल के कढ़ाई में मीन की आंख को देखकर बीन देगा वही द्रौपदी को ले जाएगा जीत के। और जब यह ऐलान हुआ कि क्या धरती योद्धाओं से खाली हो गई है कि कोई भी भरी सभा में ऐसा योद्धा नहीं है कि जो इस मीन की आंख को नहीं बीन सकता, तो इतनी बात जब करण बलि ने सुनी तो अपना धनुष उठाकर खड़ा हो जाता है और अपने तरकस से तीर को निकालता है। जब ये हालात द्रौपदी ने देखे तो द्रौपदी एकदम से खड़ी हो गई और कहने लगी, ए मीन बींदने वाले, मीन तो तुम बींद देना, लेकिन पहले अपने माँ और अपने पिता का नाम बताओ, किस कुल के रहने वाले हो, कौन सा गांव है, मुझे सारे पता होनी चाहिए कि जो मीन बींद रहा है, जो मेरा राजा बनने जा रहा है वो कौन है और कहां का रहने वाला है, कौन माता पिता है। तो किस तरह से द्रौपदी क्या सवाल करती है करण बलि से इस रागिणी के माध्यम से, हो तेरे साथ में साथी कर लूंगी, क्या बात है, we'll be right back.
सूरज खत्म होया